पार्टी उसको लबैक करने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशहाली है और उसी पर उसी के लिए आपको हम लोगों ने दावत दी है और हमारी तवक्के है और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उसी पॉजिटिविटी के साथ उसी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आप हमारी मदद करवाएं ताकि इस मुल्क की बड़ी अकलियत जिसे सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी कहते हैं उसकी सोच भी इस मुल्क के अंदर जो आम आदमी के मसाइल हैं आम आदमी की प्रॉब्लम्स हैं उनके शाना बशाना चलकर किसी डिविजिव अंदाज में नहीं बल्कि अलग कोने में अलग अलग थलग होकर नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक मुल्क के अंदर एक नया चीज लाए इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा बना सके और वो भी इज्जत के साथ इस मुल्क में जिंदगी गुजार सके हिफाजत के साथ जिंदगी गुजार सके उनके मसाइल भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में जो हल हो सकते हैं उनको हल करने के लिए हुकूमतें तैयार हो जाए। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आम आदमी पार्टी इन मसाइल को हल करेगी, हम तो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा राइज हो जाए इस देश के अंदर इस मुल्क के अंदर कि सब पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल लोग सोच रखने वाले लोग दानिशवर इस मुल्क में मुसलमानों को भी बराबर का हिस्सा देने के लिए बराबर के अपॉर्चुनिटीज देने के लिए आगे निकल कर आए ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रोड मैप पे फरुल्ला खान साहब का सियासी तस्करा था, अब मैं दरखास्त करूंगा प्रेजेंटेशन तैयार है आपका तो द प्रोजेक्ट इज रेडी आदिल साहब से दरखास्त करूंगा इस रोड मैप पे अपने ख्याल आप इजहार करें। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माय नेम इज आदिल मोहम्मद एंड इट्स ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे मैंने से पहले अनुराग खान साहब ने कहा कि बहुत ही जो एक उथल पुथल है सारे देश में कि किस तरीके का निज़ाम हो वो निज़ाम जो सबको देखकर मिलजुल कर चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान चाहे सिख हों या ईसाई सब हिंदुस्तानी हैं और ये आप पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा अट्रैक्ट करता है सारी सारी पॉपुलेशन को सारे मुल्क को 1.23 हिंदुस्तानियों को ये है कि सबको बराबर का दर्जा मिलने की बात आप पार्टी हमेशा करती रही है और अभी भी करती है और आगे भी हम समझते हैं कि ये करेगी। ये सबसे बड़ा प्लेस पॉइंट है और when you speak about vote bank politics, I just want to make one thing very clear. Unfortunately, from decades, 5 to 6 decades से सिवाय वोट बैंक समझ कर वो हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी हो या मुसलमान हो या कोई और कम्युनिटी हो उनको इस देश में सिर्फ वोट बैंक समझा गया। आप लोग इससे बेहतर बात नहीं हो सकती क्योंकि हम इलेक्शन के माहौल में हैं। इलेक्शन के माहौल में आपसे बेहतर भी कोई नहीं समझ सकता। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, किस किस्म की कोशिशें की जाती हैं कि इन क्षेत्रों के हिस्सों को सिर्फ वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाए और वोट बैंक बनाकर रखा जाए। एक अहम बात जो उभर के आती है आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वोट बैंक कल्चर को तोड़ने का उसको खदेड़ देने का सबसे बड़ा इनिशिएटिव अगर आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी लेती है वो है आप सब भी मानेंगे वो है आम आदमी पार्टी। और केजरीवाल जी का जो इनिशिएटिव है केजरीवाल जी और उनकी टीम का जो ड्राइव है जो पैशन है वो पैशन यही है कि हर हिंदुस्तानी को उसका हक मिले और बराबर का दर्जा मिले और यही चीज अट्रैक्ट करती है। आज कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक्स ऑफ मुस्लिम इंडियन मुस्लिम्स आई वुड से कि यहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर कोई चीज अट्रैक्ट करती है वो कोई और चीज नहीं बल्कि बराबरी का दर्जा अगर ना मिले किसी हिंदुस्तानी को उससे बुरी और उससे कमजोर बात हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बार बार उधार लगाता है बार बार उधार पुकार कर चीख चीख कर कहता है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को बराबर का दर्जा मिलेगा मिलना चाहिए और मिलता रहना चाहिए और सबसे अहम बात है उसी बात को लेकर जो काम आदमी पार्टी चल रही है वो पार्टी के लिए हम सब अपील करते हैं। एक्चुअली नॉट जस्ट द कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी आपके माध्यम से आपके मीडिया के माध्यम से आपके कलम के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं सारे देश को सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमानों को कि हम इस बात को सोचकर आगे बढ़े कि हमें इन 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 दीवारों को तोड़ना होगा एक बनकर इस मुल्क के लिए करप्शन दूर करने के लिए कम्युनलिज्म दूर करने के लिए
मसावात को जो मसावात को रखने के बजाय जो मसावात में दरारें पैदा करते हैं उन सारी दीवारों को तोड़ने की जुड़ने की जरूरत है। उस जरूरत के लिए आप सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। हर चैनल, हर इलेक्ट्रॉनिक चैनल, हर मीडिया में ये बातें होनी चाहिए, हमारी अपील है। और ये इसके साथ साथ एक बात ये भी कहूंगा कि आप जो एजेंडा हमने डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद साहब ने, फखरुद्दीन मोहम्मद साहब ने 18 मार्च को अहमान तालिब को जो एजेंडा पेश किया गया था, जिस एजेंडे को जिस रोड मैप की बात हम कर रहे हैं, वो सब जो पेश किया गया था, ये बहुत ही आई बात है, बहुत ही इंकरेजिंग बात है हमारे लिए। और जो पार्टी के जो लोग मुस्लिम लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें आई बात ये है कि वो लोग बहुत संजीदगी से और बहुत ही